हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस साइड साक्षी दिनचर. और आज मैं आपको व्लॉग में दिखाने वाली हूँ बहुत सारी चीज़ें. ऑब्वियसली डेजर्ट तो है ही, बट उसके अलावा मैं कैसे इतनी गर्मी में घूमी, यू आर गोना सी. बट इट वाज अमेजिंग, इट ऑल वर्थ इट. और मेरा रास्ता है बिल्कुल सीधा, बिकॉज मैं जा रही हूँ मंदिर की तरफ. एंड मंदिर का नाम मैं आपको पहुँच के बताऊँगी, बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है. और इधर ही चलो, मैप हमें इधर ले जा रहा है. फिलहाल इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर है एंड मुझे अभी पहुंचने में एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे से ऊपर लगेगा, क्योंकि रास्ता 100 किलोमीटर है. तो 2 घंटे पेट्रोल लगने वाला है. छका छक एसी ऑन है मेरी गाड़ी का. एंड यहाँ बहुत गर्मी होती है, मतलब 32 डिग्री टेम्परेचर दिन का टेम्परेचर है. सो अभी बज रहे हैं 12. एंड मैं आज आपको नई प्रॉपर्टी दिखाने वाली हूँ कि आई एम गोइंग टू शिफ्ट टू भीम कोठी टू नाइट एंड आई शो यू द प्लेस दैट हाउ इज द प्लेस एंड वट इज द बजट. इट्स एक्चुअली अ होम स्टे एंड इट्स एक्चुअली अ होम स्टे. वो होम के अंदर ही बनी हुई है पूरी प्रॉपर्टी. एंड मतलब उन्होंने पूरा घर का खाना, घर का कल्चर, एंड यू गोना सी लाइक हाउ होम मेड फूड, मतलब घर का खाना कैसा होता है, यहाँ का लोकल कैसा खाना बनाते हैं. अगर आप रस्ते में निकल रहे हो ना गाड़ी से अपनी, नॉट प्लेन से, क्योंकि प्लेन में घूमने का मुझे मजा नहीं लगता इतना. प्लेन में से रास्ता का मतलब सफर में मजा नहीं रहता. बट अगर आप निकल रहे हो ना, यू वॉन्ट बिलीव कि यू विल फाइंड आउट दीज जो आपके विंड मील्स होते हैं, जो आपके एनर्जी जनरेटर्स होते हैं. आपको पता होगा राजस्थान पूरा रेगिस्तान है. और सबसे बड़ी चीज, स्पीति की तरह यहाँ पर भी पानी की बहुत प्रॉब्लम्स है. इस तरह स्पीति में पानी के इश्यूज हैं, यहाँ पे भी है. बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेक्टर हेडक्वार्टर जैसलमेर नॉर्थ में है. मैं अभी अपनी गाड़ी के साथ, और सामने मेरे इतने बड़े, मुझे अभी भी याद है जब मैं कर्नाटका के भी रस्तों में थी ना, तो दिस मीन विंड मील्स मुझे विजिबल्स होते थे वहां से भी रस्तों में. एंड इंदौर के रस्ते में सबसे ज्यादा दिखते हैं. हाँ, पुणे का रास्ता तो बहुत ही खूबसूरत था, वहां मुझे नहीं दिखे, बट इंदौर के रस्ते में मुझे दिखे थे. तो मेरी पुरानी वीडियोज में चेक कर सकते हो. तो कुछ चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे. मैं भी यहाँ का हवा का भाव ज्यादा रहता है, इस वजह से ये यहाँ पर है. आपको नजर आ रहे हैं, आई गेस सो, नहीं आ रहे होंगे, बट थोड़ा सा और आगे. एंड हियर वी गो. गर्मी में गाड़ी कुछ ज्यादा ही पेट्रोल लेती है. इंटरेस्टिंग, में 14,000 के बजट पे आई थी पेट्रोल के, बट इट्स लाइक कि 8 से 10,000 अभी तक मेरा पेट्रोल लग चुका है, एक्सेप्ट आई एम टॉकिंग अबाउट माई कवर चार्जेस ऑफ टोल. लास्ट टाइम जो मैंने विंड मिल्स देखे थे ना, सो वो बहुत दूर थे. एंड मुझे अभी भी याद है, आई गेस ये मतलब उज्जैन के रास्ते में भी आते हैं. हाँ, उज्जैन के रास्ते में भी आते हैं, कि मैं उज्जैन महाकालेश्वर गई हुई हूँ ना, तो उसके रास्ते में भी देखने को मिलते हैं. मैंने वहाँ पे भी तब भी क्लिपिंग्स खींची थी बहुत पहले. क्या आप लोग इस रास्ते आए हो, मुझे कमेंट करके बताओ अगर आए हो तो. और आपको अगर अगर आप जैसलमेर भी आए हो, सो आपको जैसलमेर में सबसे अच्छा क्या लगता है, व्हाट यू वांट मी टू कवर इन जैसलमेर. क्योंकि जैसलमेर फोर्ट मैं कवर कर चुकी हूँ, ठीक है, मार्केट लोकल जा चुकी हूँ, जैसलमेर फोर्ट के अंदर जगह घूम चुकी हूँ, कैमल की सफारी मेरी अभी रहती है. सो यू नो अभी मेरी तारों की छांव भी रहती है, तारों की छांव के नीचे से. होपफुली आप लोगों ने वो डायलॉग सुना होगा मूवी का, बजरंगी भाईजान का. सो आई एम गोइंग टू गो तारों की छांव ऑल्सो, दैट आई एम गोना शो यू द व्यू. क्योंकि आई गेस नाइट कैप्चरेशन अच्छा रहता है, क्योंकि मैं शूट कर रही हूँ 12 मैक्स प्रो से इस वक्त. नहीं, मैं 30 मैक्स प्रो नहीं खरीदा, होपफुली वन डे. सो इट्स जस्ट फोकस ऑन द ड्राइव. मैं रुकी थी इस पर, कृष्णा पर, अपने लिए ये लेना है. एंड रास्ता भी बाकी है बहुत सारा, पहले इंजॉय करते हैं फिर रास्ते में ट्रैवल करेंगे. उसे हम बहुत गर्मी है, आई डोंट नो लोग अब इस मौसम में भी कैसे रहते हैं. गर्मी है ना गाड़ी में,
आई थिंक कि मतलब जब आप गर्मी में आओगे तब क्या हाल होगा. रोड्स कितनी सही है, मतलब यहाँ पे कोई रहता नहीं है, बिल्कुल उजड़ा हुआ एरिया है, फिर भी रोड्स कितनी मेंटेन्ड है. जस्ट लुक एट इट, ये सारे के सारे आई एम प्रीटी श्योर इंडियन पाकिस्तान का बॉर्डर देख कर आ रहे होंगे. ऑल्दो मैंने बाघा बॉर्डर देखा हुआ है, मैंने अटारी मतलब बोला जाता है बाघा को, एंड देन मैंने पैंगोंग लेक का बॉर्डर देखा हुआ है चाइना का, देन मैंने कारगिल का बॉर्डर देखा हुआ है, एंड मैंने नुब्रा वैली वाला बॉर्डर भी देखा हुआ है जो लास्ट हाइएस्ट वॉर का. बट दिस इज गोना बी समथिंग रियली डिफरेंट. आई होप यू लव दी. मैं रुकी हूँ एंड यू कैन जस्ट सी कि रोड्स कितनी सही है, गाड़ियाँ दूर दूर आपको दिख जाएगी, एंड व्यू कितना प्यारा है. मेरे को एक डियर भी दिखा था बीच में, और मुझे चाहिए गाड़ी से मेरे आई वॉच का चार्जर, मैं वो देख लेने. एरिया क्लीन. फिलहाल पहुँचते हुए बॉर्डर की तरफ, बॉर्डर का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ. इट्स लाइक यू नो ये पुराने टैंक्स पूरे के पूरे, अगर मैं आपको आगे की पूरी सीन दिखाऊंगी ना तो यहाँ पे बहुत सारे हैं. फिलहाल मेरा फ़ोन थोड़ी देर में मॉर्निंग दे रहे हो, गर्मी बहुत है. लुंगे वाला यूज स्टेहल कहते हैं कि 1970s में कहीं पाकिस्तान ने वॉल किया था यहाँ पे. यार ये वाला टैंक कितना, ये पाकिस्तान का टैंक है गाइस, इट्स नॉट इंडियन टेंट सामने मेरे. आई शो यू अराउंड, डोंट क्रॉस द चैन. मैं सोच रही हूँ इतनी गर्मी में मतलब लोग यहाँ पे ड्यूटी देते हैं यार. ओके, डिस्ट्रॉयड पाकिस्तान, दिस टैंक बिलोंग्स टू 22 आवर पाकिस्तान आर्मी. इट इज़ द वन ऑफ द 37 टैंक डिस्ट्रॉयड इन द बैटल फील्ड ऑफ लुंगेवाला ऑन द नाइट ऑफ 4 दिसंबर 1971 बाय 23 पंजाब फाइटर्स एयरक्राफ्टर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स. मैंने कहा था 1971 की आगे हिस्ट्री, अगर आपने मूवी देखी हो बॉर्डर. चल चले सनम, चल चले, चल चले. नाइस प्लेस ना, जो वॉर में जो हीरोज की श्रद्धांजलि हुई थी, या फिर आई एम नॉट श्योर कि उस टाइम पे रहे थे कि नहीं, उनके नाम है वॉर हीरोज के. एंड अगर यहाँ देखोगे ना बिल्कुल उस जगह वो टैंक है जो वहाँ पे दिख रहा है आपको, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है एक्चुअली में, वो इंडियन टैंक है. आई डोंट थिंक सो वहाँ तक जाना अलाउ होगा क्योंकि वो बॉर्डर की सीमा चेंज हो जाती है इस वजह से. सो आई गेस वो लोग तो जा रहे, इसको मतलब अलाउ होगा, बट यहाँ से थोड़े से दूर बॉर्डर की सीमा चेंज हो जाती है. ये पेट चर्चा करने की जगह नहीं है, ये कौन हो तुम? ये किसके साथ है बच्चा? हद नहीं हो गई तुम्हारी यार? हद हो गई यार, चेक करो यार, मम्मी पापा भी ध्यान नहीं रखते ऐसे बच्चों का. क्या नाम है आपका? किसके साथ है बच्चा? ये देखना इसको, हद नहीं हो गई. मतलब मेरे को कमेंट्स मत करना यार, इंडिया में मतलब लोगों ना कभी कभी मतलब मैंने ये समझ नहीं आता कि क्या होगा लोगों का, इतनी दूर आकर भी इतनी टेक्नोलॉजी 21st सेंचुरी में जीने के बाद भी बच्चों का ये हाल है. कुछ सिखा लो यार बच्चों को. सो गाइस ये पीछे मेरे पाकिस्तान का बॉर्डर, मेरे सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है ये पूरा. एंड मैं जा रही हूँ उस टैंक की तरफ सामने जहाँ पे मतलब जो टैंक तब वॉर में, मतलब 1971 के वॉर से वही रखा हुआ है. मतलब यहाँ पे पूरी सेना तैनात रहती है यार काम के लिए. इट्स लाइक यू नो मैं कहीं बॉर्डर के बीचों में हूँ इंडियन पाकिस्तान के. तो गाइस ये जो 1971 की वॉर हुई थी ना, ये उसी का है, तब से ऐसे ही रखा हुआ है. टायर चेक करो, अभी भी एक टायर ठीक है पीछे वाला और आगे वाला उधर का. एंड अगेन आई एम गोइंग टूवर्ड्स अ सेकंड टेंट उस टाइम का. पता, अगर आप यहाँ आ रहे हो ना तो यू नो एक चीज़ याद रखो कि शूज़ जो होंगे ना वो थोड़े से इम्पॉर्टेंट होते हैं. एंड अगेन आई एम वेयरिंग द ट्रैकिंग शूज़ विच आर रियली हेल्पफुल, रेत नहीं घुसने देते. सो वी आर बैक टू दी सेकेंड टैंक ऑफ 1971 वॉर का. सी लाइक ये उस टाइम से ऐसे रखा हुआ है. तो ये पाकिस्तान का था या इंडिया का, किसी को पता है कमेंट करके बताओ. अगर आपको नहीं पता तो देर में आपको नहीं आ रहा है तो मैं टैंक की शक्ल दिखाने के बाद आपको बता देती हूँ. ये
पाकिस्तान का है, जिसके नीचे, जिसका अगर आपने बॉर्डर मूवी देखी है तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पता चलेगी इसकी। यार ये बहुत पुराने लग रहे हैं, आई गेस ये बहुत ओरिजिनल रखे हैं। और पता है यहाँ अंदर ना, मतलब अगर आपने इसके नीचे का रास्ता निकलता है, अगर आपने थिएटर में मूवी देखनी है तो आप नीचे की तरफ से जाके, थिएटर्स हैं यहाँ पे, आप मूवी देख सकते हो। तो थिएटर की टिकट कुछ ज़्यादा नहीं है, इट्स लाइक 25 रुपीज़ पर पर्सन। आप डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हो, लाइक अगर आपने बॉर्डर पर डॉक्यूमेंट्रीज देखनी तो यू कैन वॉच। तो वैसे आगे बढ़ते हुए, अगर आप यहाँ वॉक करोगे, आपका लोंगे वाला में, तो आपको ये गेट मिलेगा, कट हार्ड कट डीप करके, एंड आप अंदर जा सकते हो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए, यू नो। गाइस मेरे सामने फाइटर प्लेन है, आई डोंट नो ये कब का है, आई गेस हिस्ट्री लिखी हुई है। एंड ये टैंक है, टैंक TD-55 1968 से, एंड ये जो है, ये है आपका अराउंड 20 से, इसमें नहीं लिखा हुआ ये कब का है, कृषक एयरक्राफ्ट में भी आपने पढ़ा होगा। एंड वहाँ पे पता है, अगर मैं इस तरफ जा रही हूँ तो यहाँ पे हिस्ट्री है पूरी, कितने जवानों और कितनी टीम्स यहाँ पे मतलब आके फाइट कर चुकी है। सो पूरी हिस्ट्री है यहाँ पे, सो यू कैन सी कि कितने मतलब ऑलरेडी टीम्स में भी, एंड ऊपर फ्लैग्स लगे हुए हैं काफ़ी सारे, एवरी टीम्स फ्लैग। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, आई एम ओपन फॉर लर्निंग इन कमेंट्स न्यू थिंग्स। एंड अगर मैं थोड़ा सा फर्दर आगे चलती हूँ ना टैंक से और इन प्लेन से, सो वहाँ पे मेरे पास फोटोग्राफ्स दिख रही है मुझे कुछ, एंड आई थिंक सो दैट होल्ड्स हिस्ट्री ऑफ दिस प्लेस, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। पहले हम प्लेन के पास चलते हैं। प्लेन जो है, मतलब हर किसी चीज़ के बारे में नीचे लिखा हुआ है, हर किसी अलग ऑब्जेक्ट के बारे में। आगे बढ़ते हुए अगर मैं इस पाथ से वॉक करूँगी तो मुझे पुराने टाइम की सारी पिक्चर्स दिखेंगी, उस टाइम बॉर्डर की, एंड पिक्चर्स में भी ईयर मेंशन नहीं है, आई एम नॉट श्योर क्यों, मे बी सून दे विल मेंशन बर्थ ऑफ नेशन। बालों की लग पड़ी है बैंड मेरी, यहाँ पे इतनी वो है, देयर आर सो मेनी पिक्चर्स ऑल अराउंड उस टाइम से लेके अब तक की। 71 में से एक पिक्चर, एंड गेट टू नो मोर अबाउट दिस प्लेस, एंड स्टिल दे हैव मोर बिल्कुल एंड तक। सो बेसिकली आप मिलिट्री एरिया में आके, यू नो, यू कैन हैव पिज्ज़ा एज वेल, देयर हैव द पिज्ज़ा ऑप्शंस, एंड आई एम गोना बैक टू माय कार एंड वहाँ बैठ के खाने वाली हूँ, बिकॉज इट्स नॉट हॉट आउटसाइड बट ह्यूमिड, बहुत पानी की वो लग रही है, एंड यू नो कैन गेट द पिक्चर कैप्चर लाइक दिस इन दिस एरिया, ये सारा मेमोरी में बना हुआ है पूरा का पूरा। एंड वर्ड्स कमिंग यार, इफ यू वांट टू जस्ट, यू नो, इफ यू वांट टू लर्न सम न्यू एक्सपीरियंस, यू वांट टू हैव एक्चुअली न्यू एक्सपीरियंस, यू वांट टू लर्न सम न्यू थिंग्स, देन आपको आना चाहिए यार यहाँ पे। मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप यहाँ आ चुके हो या आने का प्लान है। सो दिस गोना वीडियो इज गोना हेल्प यू आउट, बिकॉज जैसलमेर से ये 2 घंटे के आसपास का रास्ता है, अराउंड 1 किलोमीटर आप लोगों को बता। सो 165 समथिंग किलोमीटर है, और पार्किंग की फैसिलिटीज़ हैं यहाँ से आगे, आप शोर की तरफ जा सकते हो, बट यू नो इफ़ यू वांट टू गो, ऐसा कुछ नहीं है कि जाना है। हम वापस जैसलमेर और मंदिर की तरफ जाएंगे, देयर इज़ वन फेमस मंदिर पीछे की तरफ, एंड उसको कवर करेंगे। यस, आई नो डेजर्ट भी कवर करनी है, आई एम गोना कवर डेजर्ट एज वेल। और फिलहाल गाड़ी में बैठते हैं। पूरा ला सकते हो बट कैमरा लाओ नहीं होगा, और ये मुझे पकड़ ना ले मेरे हाथ में गिम्बल देख के, क्योंकि ऐसे होते हैं, बोलते हैं कुछ खाने के लिए दे रहे हैं,
सो लेट्स टेक अ शॉट थोड़ा सा ही, मतलब यहाँ पे फोकट हो रखी है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे कि कैमरा लाओ नहीं है, तो मैं अंदर आपको एक शॉट दिखाती हूँ। पता है उस टाइम के लाइक आई थिंक सो इट बिलोंग्स टू इतना पुराना टाइम, एरिया टर्न्ड ब्लैक ऑफ एनिमी शेल्टरिंग, टोपे रखी हुई हैं। सो आई डोंट नो यहाँ पर लोगों ने रुमाले क्यों बांधे हुए हैं, यहाँ पर लोगों ने रुमाल क्यों बांधे हुए हैं, पीछे रुखा में रुमाल ना बांधे, नहीं वो कोविड की वजह से अभी बांधने का नहीं दिया इसलिए धागा दिया, वरना तो रुमाल ही बांधते हैं, नहीं तो रुमाल बांधते हैं, अभी कोविड की वजह से बंद है, वो लोग ने बोला रुमाल नहीं देते। बात कर लूं आपसे, क्यों नहीं पढ़ते, पढ़ना नहीं आता, ये अच्छा लगता है रोटी बनाना यहाँ पे, स्कूल नहीं जाता क्यों, कितने टाइम की ड्यूटी है इसकी, इसकी सुबह में 7 बजे लेकर शाम 7 बजे है, लगता नहीं ऐसे ही यही से हो, हाँ जी, चलो सही है यार, चलो एंजॉय करो, गांव में कितने चार्जेस आप लेते हो इसके, कितने पैसे लेते हो, पैसे क्या, मैं गरीब आदमी का बैठा रहा, जितना देना है, अच्छा लो यार फोटो ले लो, उठा ले, चल आगे चलते, आदमी सब क्या, आप जैसे आता है कोई 100 रुपया दे देता, कोई 50 रुपया देता था, चलो पहले इनको घुमा लो, हम यही है अभी, मैं कर रही हूँ कैमल शूट, सो निकाल लो, ओके सो ये छोटा सा बच्चा हमें गाइड कर रहा है, हाय आपका नाम क्या है, होशियार सिंह, शुक्रिया भैया, आपका क्या नाम है, सुखाराम जी, डांस बहुत अच्छा करते हैं, इनकी वीडियोस आप देख सकते हो, और मैं जा रही हूँ डेजर्ट सफारी के लिए, एंड इट्स अ कूल मूवमेंट, रुको मैं एक मिनट फोन थोड़ा सा सेटल कर लूँ गाइस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा घबराहट हो रही है, दिस इज वेरी फर्स्ट मूवमेंट की मैं डेजर्ट में हूँ और मतलब कैमल के ऊपर बैठी हूँ, मैं आज तक घोड़े को भी अवॉइड करते आई हूँ, दिस इज समथिंग रियली न्यू फॉर मी, तो आप लोग कैमल के ऊपर बैठ चुके हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, बाकी सुखाराम जी को आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत आराम से, तो सुखाराम जी मैं कौन से विलेज में हूँ, कौन सा विलेज है ये, कौन सी जगह, रामगढ़, तो आप इनको रामगढ़ में नाम से ढूंढ सकते हो गाइस, अगर आप रामगढ़ में ढूंढना चाहो तो इनको आराम से ढूंढ सकते हो और कैमल सफारी इंजॉय कर सकते हो, इट इज फन, इट इज एक्चुअली फन, हिरन है एक, हेरा और एक ऊपर है, वो गाड़ी देख के वो ही भाग गए। सो मैं पहुंच चुकी हूँ अपनी दूसरी प्रॉपर्टी पे, एंड दिस इज बीम गोटी, ये एक होम स्टे, एंड यू नो मतलब यार लुक एट द थिंग्स, मतलब आई वोंट से एनीथिंग बट आप खुद ही देखो हाउ दे आर मेंटेन्ड, आई जस्ट लव इट, आई शेयर द रील ऑन इंस्टाग्राम विद यू पीपल, एंड लुक एट द वॉशरूम यार, मतलब बिल्कुल नया सेटअप किया इन्होंने, एंड पूरा राजस्थानी टच एंड ऑल, बट पता है
इन्होंने मतलब इतना प्यारा सेटअप कर रखा है। जब मैं इनको देखने आई थी ना, या मैंने इनका चेक किया था, तब मैं मतलब एक होता ना अलग सी वाइब और अलग सा वो एहसास हुआ था, क्योंकि यू नो इट्स ऑल लाइक लोकल काइंड ऑफ स्टफ। तो क्या ही तारीफ करूँ, आप खुद देख सकते हो। लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक, आई विल सी यू टुमारो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई हैव टू एडिट नाउ, आई विल स्लीप, आई विल टेक अ बाथ, बिकॉज बालों की बुरी हालत है। मैं पानी पानी हो रही कर रही थी, नॉट पानी पानी बट शॉर्ट्स ले रही थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड नाइट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट, ओके।